शांति आदि रत्न चैप्टर ट्वेंटी टू दादा चंद्रहास पार्ट वन आपका लौकिक नाम माधो था चंद्रहास नाम प्यारे बाबा ने रखा बाबा लाड प्यार से चंद्रहास बाबूजी कह बुलाते थे साकार मुरलियों की टैप रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज बाप दादा से भी पहले सुनाई देती है आपको ज्ञान रत्नों को जमा करने का विशेष शौक रहा आप यज्ञ के आरंभ से ही बहुत छोटी आयु में लौकिक के अनेक सितम सहन कर बंधनों को पार कर बाबा के पास आए समर्पित हुए सृष्टि चक्र का चित्र बनाने में आपका विशेष योगदान रहा ईश्वरीय सेवाओं के प्रारंभ में आपने मुंबई में सेवाएं दी और बैगरी पाठ में विशेष मददगार बने आपको बाबा ने यज्ञ भवन निर्माण के निमित्त भी बनाया और आपने इस सेवा से बहुतों को सुख दिया आप बहुत ही निर्माण चित कम खर्च बाला नशीन बाप दादा के साथ सर्व संबंधों से सदा लवलीन सबको आगे बढ़ाने वाले तथा मिलनसार स्वभाव के थे आप 27 दिसंबर 2009 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बन गए मेरा बचपन मुझ आत्मा का परम सौभाग्य है जो मेरा जन्म उसी हैदराबाद सिंध में हुआ जहां श्री बाबा के भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा का हुआ और ऐसे परिवार में हुआ जिनका संबंध ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती दीदी मनमोहिनी तथा दादी प्रकाशमणि जी के परिवार से बहुत निकट का था इसलिए छोटेपन से उन्हों के पास बड़े त्योहारों पर आना जाना खेलकूद करना होता रहता था मेरा लौकिक नाम माधो था बचपन में देखे दुख लौकिक फादर जापान, कोबे तथा योकोहामा में बिजनेस करते थे अचानक ड्रामा ने पलटा खाया कोबे शहर में भयंकर भूकंप हुआ उसमें मेरे लौकिक पिता का देहावसान हो गया उस समय मेरी आयु लगभग छह मास की रही होगी इसके बाद आर्थिक कठिनाई होने लगी दुकान आदि भी बेचनी पड़ी इस दुख के कारण मेरी लौकिक मां भी चल बसी तब मैं केवल छ वर्ष का था तब मेरी लौकिक मौसी जो बड़े धनी परिवार में ब्याही थी उसने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुला लिया बड़ी बहनों की तो शादी हो गई थी मेरी लौकिक मौसी जेटी चैनराय फर्म के मालिक भाई हासाराम से ब्याही थी उनका बहुत बड़ा मकान था जिसमें मेरी मौसी के साथ उनके तीन मातेले बच्चे परिवारों सहित रहते थे बड़ा बच्चा किसी दुर्घटना में गुजर गया था उनके दो बच्चे और दो बच्चियां जो कि बड़ी दीदी मनमोहिनी तथा शील इंद्रा थी जो मां क्वीन मदर के साथ रहते थे तथा दूसरा बच्चा मूलचंद अपने परिवार लीलावती तथा हरदेवी शांता के साथ रहता था तीसरा बच्चा भोजराज भी अपने बच्चों सहित रहता था फिर एक और दुख का झटका आया मेरी लौकिक मौसी का देहांत हो गया और हम दोनों भाइयों को मौसी का घर छोड़ अपनी नानी जी के पास आना पड़ा हमारी नानी का घर खातूबद गली में था जहां सब कृपलानी परिवार रहते थे हमारी नानी मामा जी भी कृपलानी थे बाबा का मकान भी हमारे पड़ोस में ही था ओम मंडली का आरंभ जब बाबा ने कलकत्ते से आकर एक छोटे से पुराने मकान में सत्संग चालू किया तो मेरी नानी ने कहा दादाजी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं जो सुनने वालों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो मैं भी खुशी से नानी जी के साथ सत्संग में पहुंच गया वहां क्या देखा कि बाबा गीता उठाकर इसके एक दो श्लोक पढ़ते फिर ज्ञान देना अर्थ समझाना आरंभ करते और अंत में ओम की ध्वनि लगाते ओम की ध्वनि लगाते ही बहुत माताएं आदि ध्यान में चली जाती कोई बाबा का हाथ पकड़कर नाचने लगती कोई चिल्लाती सखियों कृष्ण आया है इत्यादि यह सब देख मैं चकित रह जाता कि इन सब को कैसे बगैर कोई साधना के श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं यह बात सारे शहर में फैल गई कोई कहने लगा दादा कलकत्ता से जादू कर आए हैं उसके बल से भोली भाली माताओं को ध्यान में भेज देते हैं खैर मेरी समझ में कुछ नहीं आया इसलिए मैंने कुछ दिन जाना छोड़ दिया कुछ दिन बाद जब सत्संग बढ़ने लगा तो बाबा ने अपने मकान जसोदा निवास में सत्संग चालू किया वहां बाबा ने ज्ञान के साथ पवित्र जीवन पवित्र खान पान तथा दैवी गुणों पर ज्ञान देना आरंभ किया बाबा की वाणी में इतनी शक्ति तथा आकर्षण था जो सुनने वाले फौरन उस पर अमल करने लगे यह सुन देख मैं भी रोज जाने लगा हमारे सभी रिश्तेदार भी जाने लगे और सभी के जीवन में एकदम से परिवर्तन आने लगा मेरे को भी ऐसे पवित्र स्वच्छ जीवन का बहुत आनंद अनुभव होने लगा शहर में भी बहुतों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा पवित्रता पर झगड़ा जब दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पत्नी के साथ पवित्रता पर झगड़ा आरंभ हुआ उससे शहर में हंगामा आरंभ हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगा उसके पति को विष नहीं मिलेगा विदेश में रहे वहां की बुरी आदतें शराब मांस मदिरा आदि सेवन करना सीखने से उनके लिए पवित्र रहना कठिन हो गया जब दादी जी की दूसरी तीसरी बहन के पति भी विदेश से वापस पहुंचे तो तीनों मिल गए उनकी पत्नियां कहे आप पवित्र नहीं रह सकते तो भले ही दूसरी शादी करो हम खुशी से आपकी दूसरी लड़की से सगाई करवाते हैं लेकिन हमको पवित्र रहने दो यह सुन सभी शहर वाले मुखी चौधरी चकित रह जाते ऐसे तो कोई पतिव्रता नारी पति को नहीं छोड़ती दादा ने कैसा ज्ञान इनको दिया है जो इतना त्याग करके भी पवित्र रहने की जिद करती है भले ही पतियों ने उनसे मारपीट की घर से निकल जाने को कहा लेकिन वे अपनी बात पर अटल रहे ऐसे समाचार अखबारों में भी छपने लगे ऊपर से हेडिंग लिखते सिंस सेलिब्रेट वाइव इस रीति से यह हंगामा बढ़ता गया इसमें बहुत सारे जवान लड़के भी मिल गए एक दिन शाम को जब बाबा का सत्संग चल रहा था तो सौ डेढ़ सौ लड़कों ने इकट्ठे होकर ओम मंडली के बाहर हंगामा करना आरंभ कर दिया तब दो तीन भाई सत्संग से उठ बाहर निकल पुलिस में गए पुलिस ने आकर उनको हटाया तब सत्संग के सभी भाई बहने अपने अपने घर गए उन्होंने तो ओम मंडली को आग भी लगाने की कोशिश की जिस पर बाबा लाखा भवन को आग लगाने का मिसाल देते हैं। लेकिन उसको फौरन बुझा दिया गया ये सब मेरे आंखों देखे दृश्य है मैं भी उस समय सत्संग में था लेकिन इतने हंगामे में भी बाबा की तथा सभी भाई बहनों की बहुत शांत स्थिर अवस्था थी क्योंकि शिव बाबा का साथ था ओम मंडली शिफ्ट हो गई ओम निवास में ऐसे हंगामे देख बाबा ने ओम मंडली को जो कि शहर के बीच में थी वहां से शिफ्ट कर ओम निवास में जो बाबा ने शहर के एक किनारे में बनवाया था वहां प्रारंभ किया यह ओम निवास बहुत बड़ा डबल स्टोरी मकान था वहां बाबा ने सत्संग में आने वाले परिवारों के बच्चों के लिए बोर्डिंग बनवाया था जहां बच्चों की ज्ञान की पवित्र सात्विक जीवन की तथा स्थूल पढ़ाई भी होने लगी बच्चों की संभाल तथा शिक्षा के लिए बाबा ने पांच दादियां जो कि दादी जी दादी चंद्रमणि दादी मिठू, दादी कला और दादी शांतामणि को रखा इनके ऊपर मम्मा थी अब तो बाबा ने वहां सत्संग आरंभ किया हम घरों में रहने वाले टाइम पर सत्संग में आते थे मैं भी साइकिल पर पहले सत्संग में आता था फिर स्कूल में जाता उस समय मैं एकेडमी हाई स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था पिकेटिंग हुई एंटी ओम मंडली वालों को यह पसंद नहीं आया उनको तो सत्संग बंद कराना था उन्होंने प्रोग्राम बनाया ओम निवास के बाहर पिकेटिंग करने का हम शक्ति सेना को भी बाबा ने ऐलान किया और सभी पिकेटिंग में आकर बाहर खड़े हो गए ओम निवास में रहने वाले बच्चे बच्चियां तथा घरों में रहने वाली माताएं भी आ गई आखिर अपने ही बच्चों को कहां तक भूखा प्यासा खड़ा रखते उनको हारना ही पड़ा एक दो दिन यह धर्म युद्ध चला आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा इस रीति से सारे शहर में आंदोलन देख बाबा ने ओम निवास के बच्चों को कराची में शिफ्ट कर दिया मुझ पर वारंट निकला जब सारा ओम निवास कराची में शिफ्ट हो गया तो पक्के ज्ञान में चलने वाले परिवार भी कराची आ गए उनके लिए बाबा ने दो तीन बंगले किराए पर लिए जिसमें वे रहने लगे जैसे ईशु बहन का दादा दादी माँ बाप भाई बहन तथा दादी चंद्रमणि के पिता रतन चंद का परिवार हरदेवी भंडारी का परिवार ऐसे आठ दस परिवार आ गए बाकी हैदराबाद में हम जो अकेले ज्ञान में चलते थे वे रह गए हम बाबा से मिलने कैसे पहुंचे क्योंकि ज्ञान अमृत के बगैर तो रहा नहीं जाता तो कुछ कन्याएं, माताएं छोटा मोटा ग्रुप बनाए छिपकर कर कराची जाने लगे ऐसे ही एक दिन मैं भी कराची पहुंच गया जो कराची आते बाबा उनके परिवार वालों को तार भेज देते थे कि आपका बच्चा उनके पास पहुंच गया है बाबा बड़े कायदे से चलते थे जिससे किसी को ढूंढना ना पड़े खैर इस रीति से मैं भी यज्ञ में उसी दिन समर्पित होकर बहुत समय की प्यास बुझाने लगा उधर एंटी ओम मंडली वालों ने मेरे पर भी वारंट निकाल दिया उसी दिन गुलजार बहन पर भी वारंट आया और दोनों को चीफ मिनिस्टर खुद कार में लेकर कराची में हमारे संबंधी जीजा जी के पास छोड़ गए मैं फिर से बांधेला बन गया आ तो गया मैं लेकिन हम बच्चों को बाबा ने जो पाठ पढ़ाया था कि बच्चे ये विकारी लोग आपको अशुद्ध भोजन खिलाएंगे इसलिए के हाथ का भोजन मत खाना वैसे भी तुम ब्राह्मण विकारियों के हाथ का खाएंगे तो तुम पर अशुद्ध अन्न का असर पड़ेगा इसमें मैं पक्का था इसलिए मैंने भोजन लेने से इंकार कर दिया उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती की लेकिन मैं अपनी बात पर स्थिर रहा जब सात आठ दिन कुछ नहीं खाया तो शरीर कमजोर होता गया उनको डर लगा कि बच्चा कहीं शरीर ना छोड़ दे लोग क्या कहेंगे मोह भी तो रहता है ना सो उन्होंने छुट्टी दी कि भले ही अपने हाथ का बनाकर खाओ मैंने कहा आपके पाप का पैसा भी प्रयोग नहीं कर सकता इसलिए मैं कुछ काम कर उस पैसे से अनाज लेकर रोटी पकाकर खाऊंगा अब ऐसे ही उन्हों को मानना पड़ा मैंने दीदी जी से कुछ सिलाई का काम सीखा था सो घर के ही कुछ कपड़े सिलाई कर उनके छे आठ आने अर्थात आधा रुपया लेकर अनाज ले रोटी पकाकर दूध के साथ खा लेता था कभी कभी मौका पाकर छिपकर हैदराबाद में बाबा के ओम निवास में भाग जाता और शाम को घंटा भर बहनों से मिलकर मुरली समाचार आदि सुनकर वापस आ जाता था इस पर मेरे जीजाजी बहुत बिगड़ते पिटाई भी करते बाबा की बताई युक्ति से बंधन मुक्त हुआ एक दिन मैंने सपने में बाबा को देखा और रोते हुए बाबा के गले से जा चिपका बाबा ने बोला बच्चे तुमको पिटाई करते हैं अच्छा मैं एक तरकीब बताता हूं ऐसे करो तो तेरे को हाथ भी नहीं लगाएंगे और तेरे बंधन भी छूट जाएंगे फिर मैंने वैसे ही किया क्या किया कि दूसरे दिन छिपकर एक पत्र लिखने लगा और उसे वस्त्रों के बीच में इस तरह रखा जो वे भले ही देखे उन्होंने वह पत्र दूसरे दिन पढ़ा उसमें मैंने कलेक्टर को लिखा था कि यहां मेरे को रोज पिटाई करते हैं मेरा शरीर छूट गया तो आप जिम्मेवार हैं यह पढ़कर वे डर गए कि अगर यह पत्र कलेक्टर को मिल जाता तो पुलिस पकड़कर ले जाती बस तब से उन्होंने हाथ लगाना छोड़ दिया और मैं रोज ओम निवास जाता और बहनों से मिलता आखिर एक दिन मौका पाकर कराची आ गया उन्होंने फिर कोई बाधा नहीं डाली समझा कि बच्चा जहां खुश रहे ऐसे ही बाबा की सूक्ष्म मदद से बंधन मुक्त हो ज्ञान सागर शिव बाबा की गोदी में सदा के लिए समा गया कराची शहर में आने से बहुत पढ़े लिखे लोग बाबा के पास आने लगे जिनको बहने भाई बगीचे में अलग अलग बिठाकर ज्ञान समझाते सेवा करते इससे अच्छे पढ़े लिखे कुछ लोग समर्पित भी होने लगे इनमें एक मद्रासी मुसलमान भाई था उसका नाम बाबा ने ऋषि रखा वह इंग्लिश में अनुवाद करता था था हम भाई बहनों को इंग्लिश सिखाता था एक आत्माराम आडवानी आडवाणी भाई ज्ञान में आया वह भी हमको इंग्लिश पढ़ाता था तीन चार और भी पढ़े लिखे भाई उनमें दादा विश्व रतन भी था वे इंग्लिश आदि टाइप करते थे बाबा ने विश्व किशोर दादा तथा आनंद किशोर दादा को भी कलकत्ता से बुला लिया रत्नचंद दादा परिवार सहित रिजुमल दादा परिवार सहित ईशु बहन के दादा दादी माँ बाप भाई बहन सारा परिवार जानकी दादी के मां बाप परिवार सहित इत्यादि बहुत बड़ा आश्रम हो गया ज्ञान के गुहे राज चंद्रहास का नाम एक बार संदेश पुत्री को बाबा ने झाड़ का साक्षात्कार करवाया जिसमें मनुष्य के शीश अर्थात चेहरे लटक रहे थे उस पर बाबा ने वाणियों द्वारा समझाया कि यह मनुष्य सृष्टि भी झाड़ मिसल है जिसमें कैसे पहले देवी देवताओं का एक धर्म है फिर उससे द्वापर युग के बाद अलग अलग धर्म निकलते हैं पहले पश्चिम में इब्राहिम का इस्लाम धर्म फिर पूर्व में बुद्ध धर्म फिर पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म आदि दादा विश्वरतन को काम दिया कि ऐसा झाड़ का चित्र बनाओ वह डिजाइन निकालने में होशियार था तो उसने झाड़ का चित्र बनाया उसको बाबा ने करेक्ट कर फाइनल किया हमसे पूछा ठीक है हमने कहा वैसे तो बहुत अच्छा स्पष्ट है लेकिन एक कमी है जो इससे रेपुटेशन का राज नहीं खुलता बाबा ने कहा वह कैसे हो सकता है तब मैंने गोले का चित्र रफ डफ बनाकर दिखाया बाबा देख बहुत बहुत खुश हुए कि बच्चे की बुद्धि अच्छी चलती है यह बहुत अच्छा पद पाएगा उस पर बाबा ने मेरे को चंद्रहास का नाम दिया शास्त्रों में चंद्रहास के भाग्य की बात आती है बाबा ने कहा भृगु ऋषि बाप भी बच्चों के भाग्य को देख खुश होते हैं इस रीति से झाड़ गोला त्रिमूर्ति के चित्र बाबा ने पहले हम बच्चों से हाथ से पेंट करवाए फिर वहां विश्वकिशोर दादा ने प्रेस में भी छपवाए जो हम यहां भारत में ले आए एक बार बाबा ने कहा जो बांधेली कन्याएं लौकिक संबंधियों को पांच छह वर्ष से छोड़ आई है अब उन लौकिक मां बाप संबंधियों की भी सेवा करनी चाहिए इसलिए सात कन्याओं को और मुझे बाबा ने तैयार किया कि तुम ज्ञान गंगाए हैदराबाद अपने लौकिक घर सप्ताह भर के लिए जाकर उनको ज्ञान अमृत पिला आओ मैं और सात बहनें, जिनमें मनोहर बहन गंगे बहन जमुना बहन आदि थे इतने वर्षों बाद हैदराबाद गए उन्हों की माताएं आदि तो अचानक उनको देख हैरान हो गई बड़ी खुश हो उनसे मिली बाबा ने अव्यक्त नाम दिए भट्टी के दिनों में रात दिन ज्ञान की गुह्यता योग के अभ्यास तथा साक्षात्कारों द्वारा अनेक राजों से बाबा हम बच्चों को तैयार करते एक दिन तो एक संदेश पुत्री गुलजार बहन ध्यान में जाकर सभी यज्ञ निवासी भाई बहनों के ध्यान में ही अव्यक्त नाम लिखने लगी जिससे सभी को अपने अपने अव्यक्त नाम मिल गए बाबा ने समझाया सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो अपने नाम बदलते हैं तुम भी सच्चे राजयोगी सन्यासी हो पुरानी दुनिया का सन्यास किया है तो अव्यक्त बाप ने तुम बच्चों के नाम बदले हैं बचपन की कमी पूरी हुई भट्टी के ये चौदह वर्ष जैसे स्वर्ग समान थे यहां बच्चों को बाबा शहजादों की तरह से पालते थे इतने तक कि एक बार बाबा की दिल हुई कि कलकत्ते में बहुत अच्छी मिठाइया रसगुल्ले रसमलाई संदेश आदि बनते हैं वह बच्चों को कैसे खिलाए सो विश्वकिशोर दादा को कलकत्ते भेजकर वहां से एक मिठाई बनाने वाला बुलवाया उसको बोला हमारी माताओं को ये मिठाइयां बनाना सिखाओ उसने माताओं को सिखाया दूध की तो कमी नहीं थी अपनी गौशाला थी आठ दस गायें थी सो so, माताएं जब सीख गई तो कभी कोई कभी कोई मिठाई बनाकर सभी को खिलाती थी ऐसे थे मेरे प्यारे बाबा और उनका हम बच्चों से स्नेह मेरे को तो ऐसी भासना आती जैसे यही मेरे मां बाप बंधु सखा है बचपन में जो मां बाप का प्यार पालना नहीं मिली वह अब पूरी हो रही है बाबा का भी मेरे ऊपर खास प्यार था क्योंकि गोपो में मैं एक ही ऐसा बालक था जो इतने सितम सहन कर बंधन तोड़ बाप दादा की गोद में समर्पण हुआ बाबा की खास छुट्टी से रोज साइकिल पर क्लिफ्टन जाकर बाबा की मुरली सुनता और फिर लौटकर कुंज भवन में बहनों की क्लास में सुनाता कभी बाबा आकर क्लास कराते कभी बाबा मुरली लिख भेजते मम्मा क्लास कराती कभी देशी घी खरीदने मेरे को बाबा हैदराबाद भेज दे कभी सिंधी सेठ लोगों को लिटरेचर देने भेज दे ऐसे अनेक प्रकार से बाबा सेवा करना सिखाते पाकिस्तान की स्थापना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी तो बाबा की उसके ऊपर भी मुरलियां चलती थी कि यही यूरोपवासी यादव अपनी बुद्धि से न कि पेट से अपने विनाश के लिए ऐसे बम आविष्कार कर रहे हैं जिससे सारा यूरोपवासी यादव संप्रदाय विनाश हो जाएगा इधर सिविल वॉर से कौरव और यवन संप्रदाय रक्त की नदियां बहाएगा सचमुच थोड़े समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ हिंदू मुस्लिम के फसादों के समाचार आने लगे हम तो सब जैसे अपनी ही दुनिया में शिव बाबा के किले में सुरक्षित थे मुस्लिम गवर्नमेंट ने हमारा बहुत ख्याल रखा पुलिस हमारे बंगलों पर पहरा देती थी हिंदू भागने लगे कुछ तो अपनी जान पहचान के थे आसपास के जो थे वे अपना फर्नीचर आदि हमारे को देकर जाते साथ तो ले नहीं जा सकते थे कोई तो अपनी दो तीन गाय भी यह सोचकर हमारे पास ले आए कि कहीं उनको मुसलमान लोग काट न दें। आपके पास सेफ रहेंगी यह सोचकर अपने पास आठ दस गायों की गौशाला भी थी बड़ी शांति से बाहर की दुनिया से दूर अपनी देवी दुनिया में परमात्मा की छत्र छाया में रूहानी मस्ती में हम मस्त थे बाहर शहर में कैसे रक्त की नदियां बह रही हैं वो हम दो तीन भाई जो शहर में जाते थे वो ही देखकर आते थे पाकिस्तान बनने से हमारे संबंधी जो पाकिस्तान छोड़ भारत में आ गए उनको हमारी चिंता होने लगी हमारी कन्याएं माताएं मुसलमानों के देश में रह गई है पता नहीं वह कैसे सुरक्षित रहेंगी सो बहुतों को पत्र आने लगे आपको टिकट भेजते हैं। आप हमारे पास आ जाओ उनमें भी दीदी के चाचा मूल चंद का बहुत जोर था उनको पैसे की तो परवाह नहीं थी जेटी चैनराय के नाम से बहुत बड़ा बिजनेस चलता था उसने दीदी को लिखा फोन किया आप सारी ओम मंडली यहां आ जाओ मैं सारा खर्चा दूंगा जब उनका बहुत जोर पड़ा तो बाबा ने भी कहा यहां मुसलमान तो यह ज्ञान सुनेंगे नहीं इसलिए भारत चले यज्ञ का भारत आगमन ड्रामा प्लान अनुसार माउंट आबू में भरतपुर कोठी किराए पर लेकर विश्वकिशोर दादा ने सारा प्लान बनाया कि यज्ञ कराची से आबू में किस रास्ते से पहुंचेगा कराची से स्टीमर द्वारा ओखा बंदरगाह ओखा बंदरगाह से ट्रेन द्वारा मेहसाना मेहसाना से ट्रेन बदलकर आबू रोड और आबू रोड से बस द्वारा माउंट आबू पहुंचने की योजना बनी रास्ते के लिए स्टीमर ट्रेन में दो तीन बोगियां फिर बस द्वारा सफर आदि का प्रबंध किया यहां कराची में हम भाई बहनों ने सफर की तैयारी की सामान फर्नीचर आदि बहुत था बाबा ने कहा इतने फर्नीचर अलमारियों आदि की दरकार नहीं है इसलिए बहुत सारा फर्नीचर हम भाई बहनों ने पॉलिश कर नया बना दिया जो विश्व किशोर दादा ने फर्नीचर वालों को बेच दिया बाकी आधा फर्नीचर बिस्तरे आदि सब पैक करने में पंद्रह दिन लग गए साइकिलें बसे कारे आदि सब बेच दिए सिर्फ एक बस और एक कार भारत में लाए वो भी यहां आकर बेच दी क्योंकि यहां आते ही बैगरी पार्ट आरंभ हो गया बहुत सारे पैसे सारे यज्ञ के यहां शिफ्ट होने में खर्च हो गए यूं तो दादा मूलचंद ने वायदा किया था कि मैं सारा खर्चा दूंगा लेकिन जब यहां हम लोग आ गए तो सभी सिंधी दादा मूलचंद को कहने लगे कि आप पैसे देंगे तो यह यज्ञ ऐसे ही चलता रहेगा आप पैसे नहीं देंगे तो यज्ञ नहीं चल सकेगा और हमारी माताएं कन्याएं हमारे पास वापस आ जाएंगी इस कारण वह खर्चा देने से मुकर गया उनकी जो इच्छा थी कि माताएं कन्याएं मुस्लिम देश से यहां आ जाए वह तो पूरी हो गई अब वह इंतजार करने लगे कि कब इनके पैसे खत्म होते हैं और सभी वापस अपने घरों को लौटती हैं। लेकिन ड्रामा तो कुछ और ही बना था बाबा ने वाणिया चलानी आरंभ की कि तुम बच्चे स्वर्ग के राजा बनेंगे तो राज्य किस पर करेंगे आप बच्चों ने प्रजा कहां बनाई है अब समय आ गया है जब तुमको देश विदेश में जाकर अविनाशी ज्ञान अमृत औरों को पिलाना है सभी को ईश्वरीय संदेश देना है यज्ञ के घोड़े भी निकले थे राजाओं को जीतने के लिए तुम बच्चों को भी सभी को ईश्वरीय संदेश पहुंचाना है स्वर्ग की नौ लाख प्रजा बनानी है प्रजा बिना क्या पशु पंछियों पर राज्य करेंगे कितने भोले बच्चे हो सेवा अर्थ भारत के विभिन्न शहरों में जाना हुआ हम बच्चे भी देखते थे यज्ञ में बहुत बैगरी पाठ चल रहा है तो सोचते थे जाकर ईश्वरीय सेवा कर यज्ञ को कुछ मदद करें कई जवान बच्चे बच्चियों को माया खींचने लगे कि जाकर धंधा आदि करें यहां तो रोज दाल भात खाने पड़ते हैं मेरे को भी कहने लगे तुम भी चलो यज्ञ को पैसे की दरकार है धंधा आदि कर यज्ञ को मदद करो एक बार मैं बाबा की मालिश कर रहा था तो बचपने में बाबा से पूछ बैठा बाबा आप छुट्टी दे तो कुछ धंधा आदि कर यज्ञ को मदद करे बाबा एकदम गंभीर हो गए बोले बच्चे बाबा ने तुमको कौन सा धंधा सिखाया है क्या यह कौड़ियों का धंधा करने का संकल्प आता है जिससे काले हो जाएंगे मैंने तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का धंधा सिखाया है तो यह धंधा करने का उमंग नहीं आता मैंने कहा बाबा आई एम सॉरी मुझे खेद है ऐसे ही यज्ञ की छटनी होने लगी कई जवान बच्चे बच्चियां जाने लगे इधर बाबा ईश्वरीय सर्विस के लिए उमंग दिलाने लगे आखिर कुछ बहने मनोहर बहन आदि दिल्ली की सेवा पर निकली जमुना किनारे जाकर सेवा आरंभ की दूसरी तरफ हमारे संबंधी हमको निमंत्रण देने लगे बाबा कहते जाओ सेवा कर सेंटर जमाओ मेरी लौकिक बहन मुंबई में रहती थी उसने मेरे को निमंत्रण दिया बाबा ने कहा वहां जाकर लिटरेचर छपाओ इसी प्लान से मैं मुंबई गया कुछ बहनें भी मुंबई में अपने संबंधियों के पास आई मैंने लिटरेचर आदि भी छपाया हम आपस में मिल सेवा के प्लान बनाते उसमें दीदी की भाभी कमला भी बहुत सहयोग देती उनके पास ही हम मिलते क्योंकि मेरा भी तो मासात का रिश्ता था भल हम वहां सेवा करते लेकिन बुद्धि मधुबन में थी कि वहां बैगरी पाठ चल रहा है कैसे यज्ञ को मदद करें